आज सभी अखबारों में सबने पढ़ा होगा, नागपुर के स्मृति भवन, स्मृति मंदिर हेड़गेवार और संघ बिल्डिंग की रेकी की गई और इसलिए नागपुर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कल से 144(3) के तहत उस परिसर में 144 कलम दायर करके फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या उस परिसर में किसी के आने जाने को रोक लगाई और उसमें सुरक्षा बढ़ाई। इस नागपुर शहर में महल स्थित संघ बिल्डिंग है, जो संघ बिल्डिंग आज तक बोला गया इसलिए संघ बिल्डिंग है, लेकिन संघ बिल्डिंग के नाम से कहीं भी सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वो MD देवरस नाम के दो आदमी के प्लाट है, उनकी वो बिल्डिंग है। नंबर एक। नंबर दो, हेड़गेवार स्मृति मंदिर, हेड़गेवार स्मारक मंदिर जो रजिस्टर्ड है रेशिमबाग में, आश्चर्य की बात होगी कि उस समिति का अध्यक्ष ये चुना नहीं जाता, रजिस्टर होते हुए भी चुना नहीं जाता। उनके नियमावली में, कॉन्स्टिट्यूशन में, घटना में ये लिखा गया है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघ चालक रहेगा वही उस समिति का अध्यक्ष रहेगा। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था जिसके सरसंघ चालक मोहन जी भागवत है, वो संस्था नागपुर के चैरिटी कमिश्नर में क्या भारत के कहीं भी सरकारी संस्थान में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब वो अपंजीकृत है। संघ बिल्डिंग भी अपंजीकृत है, फर्जी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था अनरजिस्टर्ड है, फर्जी है। उसके सरसंघ चालक मोहन जी भागवत है, वो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कहीं भी उनका उल्लेख नहीं है, इसका मतलब वो भी फर्जी है। और ऐसे फर्जी संस्था को सरसंघ चालक मोहन जी भागवत को जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब से Z+ सुरक्षा दी गई। संघ बिल्डिंग जो महल पे है उसको CISF सुरक्षा दी है। आज जैसा हमने अखबार में पढ़ा कि ये दोनों जगह सुरक्षा बढ़ाई गई, तभी हमने रात को नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार को रात को हमने फोन करके पूछा कि हमको मिलना है। उन्होंने आज 12:30 बजे का समय दिया था, नागपुर के जिमखाना में बैठक बुलाई गई थी, वहाँ हमने शिष्टमंडल दिया सवेरे 12:30 बजे और उनको ये सारी चीज़ें अवगत कराया। ये सारी चीज़ें अवगत कराने के बाद उनका एक स्टेटमेंट आया कि हम पुलिस वाले को सबकी सुरक्षा करने का अधिकार है, हम चाहे जिसको भी सुविधा देना है, सुरक्षा देना है, हम उनको सुरक्षा दे सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, मतलब पुलिस का अधिकार है। यहाँ तक कि उन्होंने ये बोला है, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष गफूर पाशा भी हम साथ में थे, 5-6 जने, यहाँ तक बोला उन्होंने कि हम चोरों को भी सुरक्षा दे सकते हैं, यह हमारा अधिकार है। इसका सीधा सीधा मतलब है, हमारा कहने का मतलब ये था, हमने उनको ये बात से अवगत कराया जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, मंजूर है, लेकिन उनकी जो गतिविधियां है अगर वो समाज विघातक नहीं है तो उनको तुम सुरक्षा दे सकते हो। लेकिन ये दोनों संस्था जो है, संघ बिल्डिंग, हेड़गेवार स्मारक स्मृति समिति का नाम स्मृति मंदिर, इनकी जो गतिविधियां चल रही है ये गतिविधियां देश को, संविधान को मानने वाले में से नहीं होते हुए भी उनको सुरक्षा देना ये गैर कानूनन है। उनको दी हुई Z+ सुरक्षा, CISF सुरक्षा और ऊपर से आज एक्स्ट्रा सुरक्षा ये देना भी पुलिस कमिश्नर के घर की खेती नहीं है। पुलिस विभाग
ये तुम्हारे हमारे जनता के पैसे के भरोसे चलता है। हमने उनको अवगत कराया कि जनता के पैसे के भरोसे ये सुरक्षा दी जाती है, ये गैर कानून है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं माना। हम सीधा सीधा मैंने आपको बताया कि चोरों को भी हम सुरक्षा दे सकते हैं। हमको आज उनका विरोध करना था, जो हमको निवेदन देना था निवेदन दे दिया। उसके बाद हमने हमारे कार्यकारिणी की मीटिंग लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रजिस्टर्ड, जिसका मैं जनार्दन मून अध्यक्ष हूँ, हमने उसके बाद कार्यकारिणी की मीटिंग की और हमने आज ये निर्णय किया कि क्यों ना ये अमितेश कुमार की बात छोड़ो, अभी वो फर्जी आरएसएस वो संघ बिल्डिंग को दी गई सीआईएसएफ सुरक्षा और मोहन भागवत को दी गई झटपट सुरक्षा, ये दोनों निकाल कर और जो हथियार आप सबको मालूम होगा नागपुर के हो, संघ बिल्डिंग क्या है, संघ बिल्डिंग में एक मोहन भागवत रहते हैं भाई एक, और वहाँ अवैध हथियार रखे हैं, उसकी सुरक्षा करने के लिए सीआईएसएफ सुरक्षा, और ऊपर से आज ये अमितेश कुमार ने ऊपर से और ज़्यादा की सुरक्षा, जनता के पैसा का ये अपव्यय है। और इसलिए हमने आज एक निर्णय लिया हमारे कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने मिलकर कि क्यों न अभी मोहन भागवत की जेड प्लस सुरक्षा, संघ बिल्डिंग की सीआईएसएफ सुरक्षा और बढ़ाई गई ये सुरक्षा ये पूरी बंद करके ये फर्जी आरएसएस पर बंदी लाया जाए गृह मंत्रालय को। अभी कुछ दिन के बाद 2-4 दिन के बाद ही हमारा एक शिष्टमंडल गृह मंत्रालय गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील को मिलने जा रहा है, वैसा निवेदन आपने भेज दिया, लेकिन हम खुद मिलने जा रहे हैं और यही सब जनता को मालूम हो, इसलिए आपके द्वारा हम ये ऐलान आज कर रहे हैं कि वो फर्जी आरएसएस पर बंदी लाया जाए, ये हमने रजिस्टर्ड आरएसएस ने प्रण किया है। कि अमितेश कुमार से जब बात हो रही थी तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि जब आप लंबे समय से सीआईएसएफ सुरक्षा वहाँ दे रहे हो और उनके रहते हुए अगर वहाँ रेकी हो रही है तो यकीनी तौर पे वो जो लोग वहाँ बैठे हैं उस काबिल नहीं है, तो उनको आप वापस बुलाइए, दूसरे काम पे लगाइए ताकि उतना पैसा आपका बचेगा। सेकंड चीज़ के सीआईएसएफ सुरक्षा होने के बावजूद भी अगर उस प्रेमाइसिस को सुरक्षित नहीं माना जा रहा है तो क्या वाकई में आज ज़रूरत है कि उसकी। सेकंड चीज़ उनके जो लठबाज 1 करोड़ जो उन्होंने प्रशिक्षित करके रखा हुआ है चट्टी गैंग, तो उन लोगों उनको काम पे क्यों नहीं लगाती हो, उनको अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, उनको हर वो चीज़ चाहिए जो सरकारी है, तो इन्होंने ये लठ काय के लिए उनको हाथ में पकड़ा के रखा हुआ है। और 1 करोड़ लोग मिलकर अगर उनके कार्यालय की सुरक्षा नहीं कर सकते तो वो काय के लिए इतना बड़ा संगठन का प्रचार प्रसार करते घूम रहे हैं, और सरकार उनको किस आधार पर सुरक्षा दे रही है। मोहन भागवत को जेड प्लस सुरक्षा देने के पीछे कारण समझना होगा उनको। अगर वाकई में अगर इस तरह की सुरक्षा हर संगठन को दी जा सकती है तो नागपुर के हजारों संगठन हैं, तो उनके लिए एक सिपाही की किसी अध्यक्ष के लिए कभी पुलिस वाले ने अपॉइंट किया गया? हमारी वही चीज़ को लेकर विरोध है हमारा। एक सवाल है, जब जब देश में चुनाव आए, अब 5 राज्यों के चुनाव हैं, 5 राज्यों को चुनाव आते ही ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, गतिविधियां होती है, क्या लगता है आपको कि ये चुनाव को लेकर एक नीति बनाई गई ऐसी लगता है? सवाल ही नहीं है, आज ऐसी कौन सी रेकी, मेरा तो चैलेंज है पुलिस कमिश्नर को, कौन सी रेकी गई उसका ब्यौरा लेकर वो जाहिर करना चाहिए उन्होंने, कौन से लोग पकड़े गए नागपुर में, श्रीनगर में पकड़ा, फिर यहाँ सीआईएसएफ सुरक्षा है या काय के लिए है? श्रीनगर में जो पकड़ा गया है उसने बताया ना कि हम नागपुर में ठे करके उन्होंने बताया ना, इन्होंने यहाँ से भेजे ना, टीम भेज रहे ना, अमितेश कुमार की टीम भेज रहे यहाँ से। सवाल हमारा वही है कि जब वहाँ सीआईएसएफ सुरक्षा है तो आज एक्स्ट्रा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कौन सा संवैधानिक ऑफिस है या कौन सा सरकारी कार्यालय है जिसमें कुछ ऐसी सामान रखा हुआ है जिसको नुकसान पहुँच सकता है। सबसे पहली चीज़ हमारा सवाल ये है कि अगर वो एक एमडी देवराज के नाम से निजी ऑफिस है जिसमें वो अपनी संगठन की गतिविधि चलाते हैं, नागपुर के अंदर तकरीबन 1000 संगठन से ज़्यादा ऐसे संगठन रजिस्टर्ड संगठन है,
जिनके ऑफिसेस अलग अलग इलाके में, क्या पुलिस वाले उन संगठन को भी वैसी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं जैसे वो एमडी देवरस वाले निजी कार्यालय को कर रहे हैं? सीपी को एक पावर है, आपको भी मालूम होगा, सीपी को एक पावर है। अगर कोई अगर संगठना काफी यानी चर्चित है और मजबूत है, जिसके कारण समाज में एक अराजकता फैल सकती है, तो ऐसी को सुरक्षा वो दे सकती है, यानी सिटी अपने पावर पे दे सकता है, क्योंकि लॉयर किंग ऑफ नागपुर सिटी वो दे सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर कोई घटना अगर हो जाती है तो आज घूम रहे हैं लेके, जिनको वो रोड पे प्रदर्शित करते हैं और लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, वो लठबाज जो इनके बुढ़े, वो जवान, वो बच्चे, उनको सुरक्षा पे क्यों नहीं लगाते हो? अगर उनको अपने कार्यालय पे, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है तो उनसे वो सुरक्षा लेना चाहिए ना, वो क्यों पुलिस के भरोसे बैठे हैं? वो पुलिस जो उनके हिसाब से काम नहीं कर पा रही है, कश्मीर से लड़का आता है, फोटो खींच के चले जाता है, यहाँ की पुलिस को पता नहीं चलता वहाँ पर अंदर जो हथियार रखे हुए हैं, आज तक वहाँ के CISF वालों को ये नहीं मालूम पड़ा अंदर अवैध हथियार रखे हुए। अगर आपका फोटो फेसबुक पे हथियार लेके अगर मैं डाल दूं तो कल आपके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दशहरे के दिन बाकायदा वो हथियारों को सामने रखकर पूजा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हथियारों का प्रदर्शन करने का मौका कब आता है? जब मुझे समाज में किसी को डराना हो, वो विशेष वर्ग विशेष को साथ में लेकर तमाम समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा उसी बात को लेकर विरोध है कि अगर इस देश के अंदर पिछले 1000 साल यहाँ बौद्धों का राज था, 500 साल मुगलों का राज था, 200 साल यहाँ पर क्रिश्चियन का राज था, तो ये देश में कभी अराजकता नहीं आई। अभी ऐसे क्या हालात बन गए 2014 से लेकर अभी तक कि हर बार एक नई स्टोरी होती है, कश्मीर से 3 लड़के आए, उनका मर्डर हो गया, उनको आपने आतंकवादी घोषित कर दिया। अगर वो आतंकवादी घोषित कर दिए थे, आपने इतनी सुरक्षा, आज दीवारों पर चढ़ना मुश्किल है, वहाँ की इतनी सुरक्षा है, पागल समझ के रखा हुआ है कि ड्रोन से हमला होगा। नागपुर शहर सेंटर इंडिया का, यहाँ पर किसी भी चीज़ को भेजने के लिए आपको पूरे चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है। और आपने अंडरग्राउंड बिल्डिंग बना के रखा हुआ है, क्यों नहीं मोहन भागवत रोड पे कभी किसी को कार से जाते हुए ऑफिस में दिखता है? क्या कारण है? कहीं ना कहीं तो कुछ कारण होगा कि मोहन भागवत अपने वहाँ से रेशम बाग से निकलते हैं और महल आते हैं तो रोड पे कितने मरतबा उनकी फोटो आप लोग 10, यहाँ सभी पत्रकार है, कोई यहाँ पर ऐसा बाहर से बैठा हुआ आदमी नहीं है, मुझे 10 ऐसी फोटो बताइए जब मोहन भागवत रेशम बाग से निकल रहे हो और संघ बिल्डिंग में जा रहे हो। कुछ तो भी है, कुछ तो भी राजदारी है, बात अपनी जगह पे सही है, उनको पावर्स है, उनको सुरक्षा देने का अधिकार है, लेकिन मेरा ये मानना है सुरक्षा आप देंगे किसको? उन लोगों को जो इस देश में अराजकता फैला रहे हैं, या उन लोगों को जिनकी जान को खतरा है? यानी 5 राज्यों का चुनाव देखते हुए ये लग रहा है धोखा होने की संभावना? देखिए, अब उनकी प्लानिंग हमेशा कुछ ना कुछ रहती है, पिछले बार पुलवामा हमला हुआ था, अभी उनके प्रधानमंत्री अपने देश में असुरक्षित हो जाते हैं, तो इनकी नौटंकियाँ चल रही है। क्या होता है आप एक बार समझिए, कभी गलती से किसी आदमी के पास में पावर्स आ जाए जिसको कभी उम्मीद नहीं थी, तो उसकी कोशिश ये रहती है कितना समेट लूँ, एक ही बार समेट लूँ, क्योंकि उसको मालूम है दोबारा उसको मौका मिलने वाला नहीं है, जिस वजह से आज ये सत्ता में है। तो इनको ये चीज़ समझनी होगी कि जनता ने सत्ता दी है सिर्फ और सिर्फ बदलाव की नियत से, उनको सत्ता उनके कार्यों की वजह से नहीं मिली है। जनता कांग्रेस के राज से परेशान हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सत्ता परिवर्तन के रूप में इनको मौका दिया 10 साल का। तो ये भूलना नहीं चाहिए कि 10 साल बाद में जब लोग इनसे परेशान हो जाएंगे और इनके विकास कार्यों की बात करेंगे, तो तब इनकी भी हालत वही होना जो कांग्रेस की है। इनके पास भी 44-45 से ज़्यादा औकात नहीं है इनकी, लेकिन आज की सिचुएशन में ये वो माहौल बनाने के चक्कर में है ताकि दोबारा कभी इलेक्शन का माहौल ही बन ना पाए, और यहाँ पर हिंदू राष्ट्र और बाकी तमाम तामझाम को लाकर ये अपनी सत्ता को एक छत्र चला सके। और इसीलिए उस बिल्डिंग को, मुझे एक चीज़ बताइए, महल में ऐसा क्या चीज़ है कि महल के आसपास में उतने एरिया को आप सुरक्षित कर रहे हो, बाकी लोगों पे हमला नहीं होगा? अगर कोई बाहर से आतंकवादी आता है तो क्या वो सिर्फ उस वहाँ खड़े हुए आदमी को मारेगा? मोहन भागवत पे हमला होगा या जोशी पे हमला होगा? हमला वहाँ के तमाम लोगों पे होगा,
लोगों की सुरक्षा के लिए आपने बैगर जो क्या कौन सा चौक है जो बलगस चौक के सराउंडिंग में आप मुझे 10 पुलिस वाले बताइए जो सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। वो बिल्डिंग पत्थर की बिल्डिंग को कौन क्या नुकसान पहुंचाएगा? पत्थर की बिल्डिंग के अंदर जो उन्होंने कांड करके रखे हुए हैं उसको छुपाने के लिए ये सब नौटंकियां चल रही है। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट्स को अपने कब्जे में लेकर अलग अलग तरीके से वो अपनी बात को सामने लेके आ रहे हैं। रैकी नाम की कोई चीज़ नागपुर में हुई नहीं है और ना ही होने वाली है, क्योंकि आपको बताता हूँ कि सेंटर में कश्मीर से यहाँ पर आने के लड़के को 2500 स्टेट पार करना है और आज की हालत में कोई भी इतनी आसानी से आपके घर पे आके आपकी फोटो खींच के लेके नहीं जा सकता। आपको लगता है ये फर्जी है लेकिन हुई है? फर्जी है, 100% फर्जी है। कश्मीर में लड़का पकड़ में आता है और आपको बताता हूँ वहां से कोई अननोन नंबर से कश्मीर कमिश्नर को फोन आता है कि वहां पर वो लड़का ऐसा उसने फोटो खींच के लेके गया था और वो पकड़ में आया तो फोटो क्यों नहीं सामने ला रहे? उसकी स्टेटमेंट ले जाओ ना कि वाकई मैंने आके आरएसएस हेडक्वार्टर को वो किया है करके। इनकी निजी संस्था को किसी कश्मीरी आदमी को क्या लेना देना इनकी इससे? अगर उसको करना है तो दिल्ली में हमला करेगा, दिल्ली में इनका इतना बड़ा ऑफिस पड़ा हुआ है। ये बेवकूफ़ बना रहे, खुले में बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि आपको और हमको गुमराह करके इनके जो बाकी प्रोजेक्ट है उस पर काम करना। इन जिसके पास में पूरी देश की सत्ता है, जिसके पास में होम मिनिस्ट्री है, जिसके पास में 1 करोड़ कार्यकर्ता, ये जो दावा करते हैं वैसे होंगे नहीं, 20-25 लाख के ऊपर इनकी औकात नहीं है, तो 1 करोड़ कार्यकर्ता लट बाज पाल के रखे हुए हैं, उसके बाद भी इनको सुरक्षा की जरूरत है। और जिनके पास में कुछ नहीं है, आज आप देखिए यहाँ से वहाँ तक 2500 संगठन है जिनके ऑफिस मौजूद है, लेकिन उनके ऑफिस के सामने चौकीदार भी नहीं है और वो सुरक्षित है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होता है और क्या होने वाला है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गेमबाजी हो रही है। इनको अपने प्लान को सक्सेस करने के लिए ये सब एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है। इनको पता है कि लोग धीरे धीरे इनकी सच्चाई जानने लगे।